नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं प्रवीण सिन्हा ब्लेस न्यू वे जयपुर से। तो मैडम, आप बता पाएंगे कि महिला बाल विकास विभाग इस समस्याओं को निपटने के लिए अपना क्या योगदान दिया? हमारा विभाग महिला बाल विकास विभाग है, इसमें जयपुर जिले के अंतर्गत 21 परियोजनाएं हैं, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें हमारी कार्यकर्ताओं ने, आशा सेवियों ने, शाही गाँव ने, तीन मानदेय कर्मी होती, इन्होंने बहुत ही आशा से बढ़ के इन्होंने कार्य किया है। चाहे होम विजिट्स हो, चाहे क्वारंटाइन रखना हो इनको, चाहे पेशेंट के घर उनके साथ जाना है, सभी जगह। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिला पर्यवेक्षक और CDPOs ने भी बहुत अहम रोल किया है। कलेक्टर साहब के दिशा निर्देशानुसार उनकी सभी जिला उनकी वो ड्यूटियाँ लगी हुई थी, उन्होंने चाहे वो सैनिटरी नैपकिन वितरण का हो, चाहे मास्क वितरण का हो, या उनको जैसे खाद्यान्न वितरण में भी सब्सिडी पे उसको लगाया गया था कि जगह जगह जाकर के अलग अलग थानों के इंचार्ज बना के उनको कि आप इस थाने पे आपके तीन अंतर्गत ये आते हैं तो यहाँ आपको खाद्यान्न बंटवाना है, मास्क वितरण करवाना है और उनको दिशा निर्देश देने हैं। इन सभी में उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। और ख़ासकर मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी कि रामगंज में जो हमारी टीम ने काम किया है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। मानदेय कर्मियों ने बिना डरे, और जबकि इस रामगंज क्षेत्र के नाम से लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन निडर होकर के उन्होंने घर घर जा कर के लोगों को प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए सैनिटरी नैपकिन, कुछ भामाशाहों द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वो सारी सामग्री उन्होंने घर घर बांटी है। इस दौरान उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि जो मैं आपको आशा थी, जो कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी टीम इतना अच्छा काम करेगी। आप देखिए सभी पत्रिकाओं में भी उनका काफ़ी अच्छा, हर न्यूज़ चैनल्स पे भी उनका वो चला है कि कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़िया। तो आपने सुना कि महिला बाल विकास विभाग के मानदेय कर्मी के साथ साथ CDPO, महिला पर्यवेक्षक, इन लोगों ने एक योद्धा के रूप में काम किया है। अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे कि अभी आंगनबाड़ी सेंटर पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो अभी उन कार्यकर्ताओं का क्या रोल है? बिल्कुल, अभी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर सभी जगह बंद हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि आप मोबाइल के माध्यम से, हम जिनके अभिभावकों के पास मोबाइल है तो वहाँ भी ECC दे सकती सादा पूर्व शिक्षा, और घर घर जाकर के वो पोषाहार वितरण कर रही है। गर्भवती धात्री और जो छोटे बच्चे हैं 6 साल तक के, उनका दाल और गेहूँ, कहीं चावल, इस तरह से घर घर जाकर के उनको जो विभाग के निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार उन्होंने सप्लाई करी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगी, इसी कोरोना काल में हमारी 6 मानदेय कर्मी पॉजिटिव हुई थी और वो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, स्वस्थ होकर के भी आए हैं, 2 अभी एडमिट हैं, 4 स्वस्थ होकर के आए हैं। तो आप ये देखिए कि जहाँ लोग डर रहे थे उन्होंने काम भी किया है और उसमें इफेक्ट में भी आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया है, जबकि एक छोटा सा मानदेय उनको मिलता है। तो अभी मैडम, अभी के सिचुएशन में आप जनता को जो सामने देख रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो एक पूरी विश्व की महामारी है, कि भारत की ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने स्वयं की सुरक्षा रखते हुए कि डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके रखें, और आप बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अपना खुद का ख्याल खुद को रखना है, ये ना सोचें कि हमें कोई समझाएगा या बार बार हमें कोई बताएगा या टोकेगा, क्योंकि आप अपना ध्यान रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और समाज भी स्वस्थ रहेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, खुद का ख्याल खुद को रखना है, ये ना सोचें कि हमें बार बार कोई इस चीज़ के लिए आगाह करे। उप निदेशक महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी ने कहा कि खुद का ख्याल खुद रखना है। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।